हे एवरीवन, सो आज मेरा जो है वो थर्ड डे है टोरंटो के अंदर। ये चीज 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मालियत की ये This is Toronto. आज मेरा जो है वो थर्ड डे है टोरंटो के अंदर। और जैसे कि मैंने पिछले दिनों में नियाग्रा फॉल्स और बहुत ज़्यादा प्लेसेस अदर विजिट किए हैं और डाउनटाउन टोरंटो के अंदर, लेकिन इस वक्त मैं डिस्टिलरी स्ट्रीट है यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे इस स्ट्रीट की जो खसूसियत ये है कि यहाँ पे जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इवेंट होता है फॉर एग्जांपल क्रिसमस, तो क्रिसमस मार्केट यहाँ पे लगती हैं। और जैसे कि जो बियर के जब बहुत ज़्यादा कोई इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे बियर हर तरह की अवेलेबल होती है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो लोग पीना चाहते हैं वो वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे कोई इवेंट्स हो, कोई स्पेशल, जैसे कि कनाडा के अंदर जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, कोई स्पेशल डेज होते हैं, तो यहाँ पे उसकी मार्केट लग गई। यहाँ पे म्यूजिकल नाइट लग जाती है, यहाँ पे डिफरेंट रॉक म्यूजिक और पॉप, जो जिस तरह का भी किसी को इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आ जाता है। सो मेरी ये जो पीछे है ये सारी स्ट्रीट है, इस टाइम जो है यहाँ पे संडे, और रिसेंटली क्रिसमस मार्केट जो है वो ख़त्म हुई है। सो मेरे साथ यहाँ पे एक भाई भी हैं, ये यहाँ पे कनाडा में रहते हैं और ये मुझे जो है मदद कर रहे हैं कनाडा में घूमने के लिए, स्पेशल टोरंटो के अंदर। तो इनसे भी मैं कुछ नॉलेज लेता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा गाइड कर रहे हैं। इनका नाम एबल है। हेलो एवरीवन। सो ये जो स्ट्रीट है, अगर क्योंकि जनवरी जो है वो स्पेशल जो है वो इसे गरीब मंथ कहा जाता है, या मतलब जिस जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, जैसे कि ईद होती है आपके, उसके बाद जैसे ही आप सारा कुछ खर्च लेते हैं तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो है आपके पास भी इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि आप यू स्पेंड अलॉट। इस तरह क्रिसमस होता है, यू स्पेंड अलॉट एंड देन द नेक्स्ट वीक्स यू आपके पास इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा चुके होते हैं। तो इसीलिए जनवरी के अंदर यहाँ पे जो कुछ बहुत ज़्यादा सेल्स भी लगती हैं, क्योंकि जो शॉपिंग मॉल्स हैं और जो शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके पास कस्टमर नहीं आते, सो दे ऐड सो मैनी सेल्स। सो सिमिलरली जहाँ पे आज मैं इस स्ट्रीट में आया हूँ, तो इतना कुछ चहलकदमी नहीं है, क्योंकि जनवरी जो है वो इतना फेमस है, फिर मार्च में जाके फिर दोबारा से टूरिस्ट एकदम से बाहर निकलना शुरू होते हैं और दे सेव मनी और डू वट एवर दे वांट। सो ये जो है इस टाइम ये स्ट्रीट है। सो मैं जिस शहर में रहता हूँ स्वीडन के अंदर, उसका नाम है ज्योतिबोरी, लेकिन इसको गोथेनबर्ग कहते हैं, सेकंड बिगेस्ट सिटी है। और जब मैं डिस्टिलरी स्ट्रीट में आया, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस किया जिसने मुझे अपनी सिटी की याद दिला दी है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये हार्ट। मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग के अंदर ये अपनी जो सिटी के अंदर जो हार्ट है, क्योंकि समर विंटर के अंदर इस तरह का हार्ट विद लाइटनिंग एंड सो मेनी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल वे देन दिस वन, आई विल एग्री, दिस इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो जो हमारा है वो मे वे 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 बेटर। तो ये हार्ट और ऑफ कोर्स ये इट्स अ वन वे टू अट्रैक्ट कपल। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ट क्यों बनाया, देखें कपल्स आएंगे, दे स्टैंड देयर, दे टुक अ पिक्चर एंड दे से दैट ओह वी वर एट डिस्टिलरी स्ट्रीट एंड देन दे गो बैक एंड देन दे रिमेंबर दैट ओह वी विल डिस्टिलरी स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. मैं इस टाइम जो है एक आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ। आंखें खोल देने वाली कीमतें हैं, हम लोग जो है वो चलें छोड़े बात छोड़े, ये देखें ये पेंटिंग देख रहे हैं कितने की होगी। मैंने जब देखा, मेरे दोस्त ने पूछा कितने की होगी, मैंने कहा यही होगी कोई 30-40 पाकिस्तानी हज़ार की, और कितने की हो सकती है, अनबिलीवेबल।
See the price. So you believe पाकिस्तानी 4 लाख की ये पेंटिंग है और भाई सिर्फ कलर भर के मिक्स करके लगा के पेंट कर दिया। मैं नहीं कह रहा आर्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा 4 लाख का, 4 लाख का आर्ट नहीं है। चलो वो नहीं, सारी बातें छोड़ो यार, ज़िंदगी में कोई महंगी चीज़ें देखी हैं लेकिन इससे महंगी नहीं देखी। ये क्या, ये भाई जो खड़ा है हाथ के ऊपर, ये जो थिंग है स्टेज, जो वेडनेसडे सीजन जो आया आजकल नेटफ्लिक्स पे, थिंग हाथ के ऊपर पाई खड़ा है और देख ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, 3.5 करोड़ की ये इस टाइम ये चीज़, 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मालियत की ये चीज़ है, ये आर्ट 3.5 करोड़। आई जस्ट कॉन्ट बिलीव के यार लोग इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए 3.5 करोड़ भी खर्चते हैं। ये देखें, ये जो बाल है इस आदमी को, इसको देखने के लिए आपको 5.5 लाख देना पड़ेगा और ये आप बाल ले लोगे। सुबह उठो सामने देखो बाल। वेल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द आर्ट, वेल बट टू बी ऑनेस्ट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट वेरी आर्ट लवर, लेकिन टू फॉर मी आई जस्ट वेरी अमेज्ड कि यार ये सो एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स बहुत हैवी पेंटर्स ने ये पेंटिंग की होती है, और ऑफकोर्स इफ़ यू हैव मनी एंड यू वॉन्ट टू शो दैट ओ यू हैव द गुड आर्ट वर्क ऑन योर वॉल एंड पीपल हु हैव सच फ्रेंड्स एंड जो उनके घर गेस्ट आते हैं, सो ऑफकोर्स दे बाय सच थिंग्स एंड पुट ऑन देयर वॉल। कीमत आई थिंक से मुनासिब है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। जस्ट सी ये डिटेल, ये बाउल है, कुछ वजनी है ज़्यादा। आई विश आई कुड बाय, ये तकरीबन जो है ये 45,000 का पाकिस्तानी बन जाएगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on आप कनाडा का सबसे पहला एलिवेटर, प्राइवेट ओन्ड सबसे पहला एलिवेटर देखने लगे हैं। सो लेट्स सी, इट्स ओपन इट एंड सी। ओह लुक एट इट, ये 1910 का बना हुआ एलिवेटर, और ये कनाडा में पहला ऐसा एलिवेटर था जो प्राइवेट ओन था। ये जो है एडवर्ड बिजनेसमैन जो था, उसका जो है ओरिजिनल प्राइवेट जो है ऑफिस है। अगर आप इसकी चेयर्स को देखो, इतनी पुरानी चेयर्स हैं, और उसका अगर बैक देखते हैं, इट लुक्स वेरी अमेजिंग। आई डोंट नो कैमरे से कैसे नज़र आ रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया, इसकी एक एक फीचर्स को। तो ये इसका सीक्रेट वॉल था, जहाँ पे वो अपने खजाने, अपने हीरे जवाहरात और अपने सारे अली बाबा 40 चोर वाले, वो नहीं दूसरे असली वाले। आई होप के अपने ज़माने में यहाँ पे उसने जो है सीक्रेट वॉल्ट होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं उन्होंने लिखा होगा सीक्रेट वॉल्ट। यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होंगी, क्योंकि इस आदमी के पास इतने पैसे थे कि आज इसकी जो ये कासल है, इसकी वैल्यू $80 मिलियन है। इज़ अ बंच ऑफ मनी, और इतने ज़्यादा लोगों ने बनाया, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे, जो जहाँ पे जो चलने की जगह होती थी, जहाँ पे ओरिजिनल जो एनिमल से स्किन से जो है कार्पेट रखी हुई है। ये सारी जो मूवीज़ है ना, सीजन्स हैं, उनमें ये आया है। अब फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को एक्समैन का पता है, एक्समैन का ये पार्ट बहुत फेमस था, एक्समैन का ये पार्ट बहुत फेमस था, और ये जो सारी लिस्ट लगी हुई है, ये सब फेमस मूवीज़ के अंदर ये कासलोमा जो है वो उसको दिखाया गया है। देखिए इस टनल के अंदर जो है ना, ये ओरिजिनल वाइन सेलर जो है ना, जो ब्लू ब्लड स्टीक हाउस है,
ये उनके 2016 में इन्होंने रिस्टोर किया है इसको अब, क्योंकि ये ओरिजिनल लग रहा है अपनी नई हालत में। और ये जो है ये सन हेनरी जो है वो वाइन को बहुत पसंद करते थे और उसकी जो 1000 के करीब जो बोतलें जो थी हर टाइम इसके अंदर पड़ी रहती थी। इस वक्त हम ज़मीन 2 मंजिला ज़मीन से नीचे हैं, तो ये हम एक टनल से गुजर हैं, या आप देखें अगर आप तो पॉज करके वीडियो भी देख सकते हैं। और ये गुजरते जाएं हमें नहीं पता कि ये टनल जो है वो कितनी नीचे जा रही है। कासल में लाइक भूल भुलैया वाला हिसाब है कि भूल भुलैया ये जो है घोड़ों का अस्तबल था, यहाँ पे घोड़ों को जो है वो खड़ा किया जाता था बारी बारी सन हेनरी के प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत। गाइस ये देखो कि हम जब एंटर हुए थे तो हम यहाँ से पार्किंग ली थी और हम यहाँ से ऊपर गए थे। ये कैसल लोम है, टनल के थ्रू जो मैंने अभी आपको टनल दिखाई है उस टनल के थ्रू हम इस ज़मीन से नीचे नीचे इस टाइम सेपरेट बिल्डिंग में है। देखिए कैसे आपस में उसने कैसल जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे सीक्रेट वॉल्ट है। तो जंग अगर वहाँ पर हो रही है कुछ भी हो रहा है तो दे कैन पास थ्रू एंड कम टू दिस साइड फॉर एस्केप। चले जी थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है जिस आदमी की हम इतनी बातें कर रहे थे मेजर जनरल सन हेनरी पैलेट, तो ये वो है उसका मुजस्मा बनाया हुआ। इस वक्त जो है मैं कासल के बिल्कुल टॉप पे हूँ, ये आप सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं। अभी मैंने जो टनल दिखाई थी जो जिस टनल से हम जो है सेलिब्रिटी वॉक और ऑल द वे वी टनल वी वेंट टू, इस कासल से हम जहाँ पर मैंने आपको बताया था हम गाड़ी पार्क की है वहाँ से सीधे हम टनल के थ्रू अंडरग्राउंड उस जगह पे पहुंचे थे, वो सीक्रेट जगह थी। सो दिस इज टोरंटो, लुक एट द व्यू। इस टाइम मेरे साथ भाई सैमसून है, उन्होंने मुझे बताया है कि जो टोरंटो अगर आता है ना कोई बंदा और इस जगह पे ना आए तो लानत है सॉरी लानत नहीं उसने टोरंटो में कुछ नहीं देखा। आई मीन टू बी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, ये वन ऑफ दी जो है वो हाई जगह है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाट पंजाबी डोल्ड मक्के वाले नज़र आएंगे, गैरी संधू हर कोई यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट है क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक स्पोर्ट बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी एसएच स्पेशल नहीं है लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तो ये गर्मियों में ज्यादा कुछ होता है क्योंकि सामने ही शेरिटन कॉलेज है। शेरिटन कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ पे जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो उस कॉलेज में आता है और रात को जो यहाँ पे शेरिटन के जो जितने भी लोंडे लपाड़े हैं वो सारे इधर ही आके खड़े रहते हैं। ये सामने टिम होटल है और यहाँ पे क्या कहते हैं ढोल बजाते बजूते रहते हैं और इसका नाम जो है ये है क्या कहते हैं शेरिटन प्लाजा कहा जाता है इसे। और अच्छा माहौल यहाँ पे होता है गर्मियों में, अब थोड़ी ठंड है लोग जरा नहीं उस तरह आते। आप वो जो बता रहे थे कि वो जो गेड़ियां लांदे ने मुंडे वो क्या एक्चुअली यू नो इधर आप यही समझ सकते हैं कि वो जिदा कहते नहीं कि मुंडा डाउनटाउन लांदा गेड़िया जाट लांदा गेड़िया लाइक दैट। हां जैसे ये वॉल्यूम बंपर ऊपर करके वॉल्यूम हां डांसिंग कार पीपल हैव दैट काइंड ऑफ कार राइट। तो ये चैलेंजर है और इस तरह की कार्स जो है मुंडे मतलब हाइप एक क्रिएट की हुई है, कुछ भी स्पेशल नहीं है बट हाइप क्रिएट है जैसे। सो या सो दिस इज एवरीथिंग फॉर दिस प्लाजा। तो चलिए प्लाजा वंडरफुल, क्या बात है जी। नुसरत फतेह अली खान साहब
नुसरत फतेह अली खान साहब इन टोरंटो। बाबू पान शॉप, ये देखें जी क्या बात है, बाबू का पान लबों की शान।